नमस्कार आपण समस्तंकु रश्मिस किचन रे बहुत बहुत स्वागत। आज आमे घरे बहुत सहज भाबरे बनेबा पीनट बटर। जदि आपण मानंकु ए रेसिपीटा भल लागिला ताले वीडियो को लाइक एवं शेयर करिया पय जमा भूलिबेनी एवं मो चैनल को सब्सक्राइब करनेबे। पीनट बटर माने चीना बादाम रा बटर बनेबा पय आमे नेछि 250 ग्राम पाखापाखी चीना बादाम माने गोटे कप रे कपे हबो कंचा चीना बादाम। तो चलंतु याको आमे प्रथमे भाजी नबा। गोटे कढ़ई गरम करबा किबा गोटे प्यान गरम करबा माने रखिबे जो भी कढ़ई रे आपण भाजिबे ता टिके मोटा हेतु दरकार। मो कढ़ई रे चीना बादाम को एकदम स्लो फ्लेम रे ताको आपण भाजी नियंतु। एठी देखंतु चीना बादाम हमर बहुत भल भाबरे भाजी हे गलानी बासना बहुत बढ़िया आसलानी। गैस को बंद कर दबा गोटे प्लेट को काढ़ी नबा। चीना बादाम रा बटर आपण चोपा थाई के करि परिबे चोपा को छड़े के मध्य करि परिबे। हेले आज आमे चोपा छड़े के करिबा। ए देखंतु चोपा इथरु बाहरी जाउची तो हमर बादाम हे गलानी बोली आपण जों जानि परिबे। बर्तमान आमे याकु संपूर्ण भाबरे ठंडा हपय दबा। ठंडा हे गला परे ही आमे तार चोपा को पूरा बाहर करनी परिबा। तो याकु आमे 5-10 मिनिट एमति रखि नबा। ए देखंतु 5-10 मिनिट हेलापर टे थंडा हो जाए। या हाथ में एमती तार चोपा को छड़े पारे। एवं आम गोटे कपड़ा ना किचन टावल यही आम बहुत जल्दी भाव में तार चोपा को छड़े पार। देखो ये मुझे मंजी नहीं आम एम कपड़े ही रगड़ी दौचे जो थी कि बहुत जल्दी चोपा छाड़ यही प्रोसेस में मुझे सबुद जाक बादाम चोपा छड़े दौर। देखो कत सहज भाव में आम सब बादाम चोपा छड़े ने पूरा क्लीन हो जाए। तो चलतु आम पीनट बटर बनवा से ग्राइंडर गोटे मसला जार ना जो थे कि आम पीनट बटर बनबा से आप छोट जार ही नियंतु जोटा ग्राइंडर रो एकदम छोट जार मसला जार से ही आम पीनट बटर बनब। तो ये आम सब तो जाक चोपा छड़ा मंजी को आम ये नहीं गले बादाम मंजी को आम ये नहीं गले। बर्तमान आम ये टी लुण पकेब एथरे आम बहुत ही अल्प लुण पकोचे। जदि आप गोटे छोट चमच ने पांच भाग रु भागे देवे लुण आम कवर बंद करदे आगे ग्राइंड करवा। जिते बड़े भी आप पीनट बटर बनइबे से धीरे धीरे ही ग्राइंड करूँ मैंने किसी समय ग्राइंड करूँ रही जातु पुणी ग्राइंड करूँ पुणी रही जातु। यह द्वारा आम ग्राइंडरटा तातिबन आमर जारटा तातिबन और पीनट बटर प्रॉपर्ली हम भलि हम मझे मझे मिसेवा भी निहाती दरकार। तो आम तल को नहीं आस भल भाव में गोलईदे तल ऊपर करदे। ये देखु आमर बादामटा पूरा भल भाव पाउडर हो जाए। से वेजिटेबल ऑयल माने आम कुकिंग ऑयल जदि आप रिफाइन तेल यूज करते घर तेल दुई चमच पकातु ये मुझे पकाचे तार ग्लसीनेस बटर जो ग्लसीनेस आसता है से वेजिटेबल ऑयल आम पकाचे। जदि खाइबा चमच में मापे तो गोटे चमच एमें गुड़ पकाचे टेस्ट आसपापी आप चीनी भी पकई पारे ना आप महु भी पकई पारे आउ टेस्ट करके आपण जेतिक दरकार सेतिक पकांतु। प्रथमे आमे एतिक पकेले आवश्यक पड़ले परे आउ गुड़ किंबा महु पकई परबा। एबे आमे पुण थरी आकु ग्राइंड करछे। देखंतु ता धीरे धीरे स्टिकी फॉर्म आसी गलानी धीरे धीरे ता नरम हो जाउची आउ पाउडर हे कि नाही। तो एको आमे पुण थरी तळ ऊपर ही करबा। आ मन रखिए जमती कि मुझे आगुरी कही सब बेले रही रही कि ग्राइंड करंतु जमा भी एका बेले के ग्राइंड करंतुनी। बर्तमान पुण थ ग्राइंड करवा। ये देखो मुझे सब ग्राइंड कर तौक रखुच्ची या आम भल भाव में मिसेवा। देखो धीरे धीरे ता स्टिकी हो गला पूरा स्टिकी हो गला। एवं आम या टेस्ट भी करल अच्छे टिके चीनी पड़ा टी मीठा पड़ो आपण इच्छा अनुसार आउ टे अधिक आप पकई पारे। आते बड़े भी चीनी पकेबे चीनी को ग्राइंड करके पकातु ना ग्रानुअल फॉर्म रे रही चीनीटा आउ टे गुड़ आम ये पकाचे जमती कि मुझे कही गुड़ पकई पारे ना महु भी पकई पारे आपड़ पाउडर सुगार भी ये पकई पारे। या को आम एम ग्राइंड कर समय रही जाऊे पुणी थे ग्राइंड कर देखु तार टेक्सचर आम एम हाथ में चेक करवा। जदि टी दाना दाना थी पुणी थे ग्राइंड करूँ टी समय रहीकि ग्राइंड करूँ। सब कहूँ जिते बड़े भी आप पीनट बटर बनइबे सब बड़े एमती मिसोथे तल ऊपर करुवे रही रही कि ग्राइंड करेंगे। एबे चलंतु आम या भल भाव में मिसे ने आउ थ ग्राइंड करवा।
ମୁଁ ୟାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ନେଇ ଆସିଛି। ଦେଖିବା ମୋର ପିନଟ୍ ବଟର୍ କେମିତି ହେଲାଣି। ହେଇଆସିଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ତାହା ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ମରେ ଆସିଗଲାଣି। ତାକୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଏପଟ ସେପଟ କରିବା, ଚେକ୍ କରିବା ଆମର ପିନଟ୍ ବଟର୍ ହେଲାଣି କି ନାହିଁ। ୟାକୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବା, ହେଲେ ତା'ର ଟେକ୍ସଚର୍ଟାକୁ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିନେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଏମିତି ହାତରେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାଲିସ୍ ହେଇଆସିଲାଣି। ଆଉ ଥରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ତାହା ପରଫେକ୍ଟଲି ଆମର ପିନଟ୍ ବଟର୍ ବନିଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ୟାକୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକିଏ ସମୟ ଆମେ ରହିଯିବା, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ୟାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବା। ପିନଟ୍ ବଟର୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍କୁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ହିଁ ଆପଣ ୟାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ଏବଂ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ଜାର୍ ଦୁଇଟା ଯାକ ତାତିଯିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପିନଟ୍ ବଟର୍ ଭଲରେ ବନିବନି। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପିନଟ୍ ବଟର୍ଟା ତ ବହୁତ ଭଲ ବନିବ, ପ୍ଲସ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍କୁ ବି ରେଷ୍ଟ ମିଳିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପିନଟ୍ ବଟର୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବନେଇଛି, ପୁରା ଲିକ୍ୱିଡ୍ କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଆସିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଟର୍ ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗ୍ଲସି ବି ହୋଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହୋଇଛି। ପିନଟ୍ ବଟର୍ ବନେଇବା ବହୁତ ସହଜ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିନାବାଦାମରୁ ଏମିତି ପିନଟ୍ ବଟର୍ ବନେଇ ପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ୍ ଆଡ଼୍ କରିନେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ହିଁ ହେଲ୍ଦି, ଆଉ ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାକୁ ବନାନ୍ତୁ, ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜେ ବି ଖାଆନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଏହି ପିନଟ୍ ବଟର୍କୁ ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇତିକି ରଖିପାରିବେ, ଯେକୌଣସି ଏୟାରଟାଇଟ୍ କଣ୍ଟେନର୍ରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଫ୍ରିଜ୍ରେ ହେଉ, ଆପଣ ତାକୁ ରଖିନିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଏମିତି ବ୍ରେଡ଼୍ ଲଗେଇକି ହେଉ କିମ୍ବା ରୁଟିରେ ଲଗେଇକି ହେଉ ପିନଟ୍ ବଟର୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇପାରିବା, ଆଉ ଏହା ମାର୍କେଟ୍ ରେଟ୍ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ହିଁ ଶସ୍ତାରେ ଆମେ ବନେଇ ପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗ୍ଲସି ହୋଇଛି, ଆଉ କେତେ ଟେଷ୍ଟି ହୋଇଥିବ ଏଇ ପିନଟ୍ ବଟର୍, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମର ବ୍ରେଡ଼୍ରେ ଆମେ ଲଗେଇ ଦେଇଛେ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରିକା ପିନଟ୍ ବଟର୍କୁ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ବନେଇବେ। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ବା ରେସିପିଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ୟାର ରେସିପିର ଲିଙ୍କ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ରଶ୍ମିସ୍ କିଚେନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।